हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छे से मन लगा के देखते होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत मन लगा के करते होंगे। अब तो काफी टाइम हो गया है स्कूल बंद हुए और आप सभी स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम घर बैठे ही आपके लिए अलग अलग तरह तरह के और बहुत रोमांचक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। आज से हम एक नई सीरीज की भी शुरुआत करेंगे, तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या देखने वाले हैं। यंग एंटरप्रेन्योर स्किल शो, युवा उद्यम कौशल शो। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसे आपको देखकर बहुत मजा आने वाला है। जिस तरीके से पहले आपके लिए हम ग्राफिक नॉवेल्स लेकर के आते थे, उसी ग्राफिक नॉवेल से जुड़ी अब कुछ और बातें आपके लिए लेकर के आए हैं और बहुत रोमांचक शो है बच्चों। इस शो का आज का हमारा पहला जो एपिसोड है वह है So you think it's only happening to you? अब इसका क्या मतलब है? ये तो हमें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमें कौन मिलने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है। इस वीडियो में हमारे साथ है काव्यल सेदानी। इनसे तो आप पहले मिल ही चुके हैं, ये आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें स्कूल टीवी में बताती हैं। और इनका साथ देंगे केतन सिंह। तो आइए देखते हैं कि ये हमें क्या बताने वाले हैं। ये हमें ग्राफिक नॉवेल, आज के एपिसोड में हम अपने ग्राफिक नॉवेल प्रेम नगर और शहद का गांव, इसके बारे में देखेंगे और कुछ और बातें जानेंगे। कुछ बच्चों के सवाल भी आएंगे, उनके भी जवाब देंगे। और बच्चों, आप अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए भी कुछ सवाल देंगे हम लोग सवालों के सिलसिले कार्यक्रम में। और उन सवालों का सही जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं घर बैठे ग्राफिक नॉवेल। तो बच्चों, इस शो के बाद, इस एपिसोड के बाद हम लोग अपनी कक्षा 10 की पढ़ाई की ओर बढ़ते हुए विज्ञान में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में निर्माण उद्योग को पढ़ेंगे। तो बच्चों, याद रहे कि कॉपी कलम लेके जरूर बैठना है और सवालों के सिलसिले के जवाब को भी देना है, उनके सवाल नोट कर लेने हैं। और फिर जब कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू होगी तो उनमें भी जरूरी बातों को नोट कर लेना है। तो चलिए, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड। DIY अनुष्का, कतरीना, दीपिका, देख रही हो, सारा काम खुद ही को करना पड़ रहा है। ये नहीं कि कोई आए मदद करे, पूरा का पूरा सामान हम ही करें मदद करें। अरे तुम अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम आई कैसे, तुम्हारी ऑटो तो यहाँ खड़ी है। अब मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं चल के आती हूँ। तो फिर ऑटो का बिजनेस बंद। लेकिन नया जमाना है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, एक्सरसाइज दिख रही, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपसे तारीफ, क्या बात है, आज कुछ अच्छा खा के आए? नहीं, मुझे सर पे कोई मोटरसाइकिल का टायर लगा है, मुझे बहुत पसंद आता है ये पूरा टायर अपने, बहुत खूबसूरत। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट नहीं बदले पाते तुम। रूलिंग है, रूल चालू हो गया ना। चल चल चल, ओ हो, ऑल राइट, शुरू हो चुका है। मतलब हे हे, नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं केतन सिंह और हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं
द यंग एंटरप्रेन्योर स्किल शो। यंग यानी युवा, उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर, स्किल्स होता है कौशल और शो का मतलब होता है शो। शो युवा उद्यमी कौशल शो। तो मैं काम करता हूँ, ये थोड़ा बहुत सेटअप बचा है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ और तुम तब तक हमारे दर्शकों से बात करो। बिल्कुल, तो आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। मैं अपने दर्शकों से बात कर रही हूँ, हमारी जो युवा पीढ़ी जो अब हमको टीवी पे देख रही है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। मेरा मतलब आपसे है, इस देश के युवा जो अभी टीवी देख रहे हैं, आप जो भी हैं, स्टूडेंट्स, युवा लड़कियां, लड़के, स्कूल ड्रॉप आउट, आप सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अहम हैं। और इस शो में हम देखेंगे कि आप कैसे खुद के बल पर अपना भविष्य, अपना करियर बना सकते हैं। हाँ, मैं भी सब सेट करके बैठ गया हूँ। जी हाँ, आप स्कूल में क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना चाहते हैं, आप स्कूल के बाद क्या करना चाहते हैं, क्या है आपके लाइफ प्लान? Yes, केतन, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आप इन सारे डिसीजंस पर आधारित दुनिया बदल सकते हैं। आपके कुछ डिसीजंस दुनिया बदल सकते हैं। हो सकता है आपको ये लाइन सुनने में अजीब लगे। हम आने वाले एपिसोड्स में उदाहरणों के साथ सही जानकारी से आपको बताएंगे कि ये हो कैसे सकता है। लेकिन यहाँ जरूरी बात ये है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें उन पर काम भी करना पड़ेगा। घबराइए नहीं, हम हैं ना आपके साथ। यू नो केतन, मुझे ऐसा लगता है कि बीते हुए दिनों की तुलना में ना आज की युवा की लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है यार। कितना ज्यादा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी ज्यादा है, ये करो वो मत करो, ऐसे करो वैसे मत करो, क्या हम इन हालातों को बदल सकते हैं? हाँ, बदल कर आसान तो बनाया जा सकता है, मगर उससे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी ना, क्योंकि भाई साहब हम ठहरे भारतीय, आसान रास्ते हमें रास नहीं है, हमें पसंद है कठिनाइयां, स्ट्रगल, जद्दोजहद। अब हमें ना मेहनत मुशक्कत मंजूर है, लेकिन हम लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं, अपना रास्ता खुद बनाए। और क्यों ना बनाए, ऐसे ही तो मजेदार कहानियां बनती हैं, हर दिन कुछ अलग कुछ नया। A life full of surprises. A life full of surprises. क्या बात है? अब मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं? तो फिर हेलो एंड वेलकम टू द युवा उद्यमी कौशल शो। मेरा नाम काव्यल सिद्धानी है और मैं हूँ केतन सिंह, और ये हुआ हमारे शो का शुभ आरंभ। हमारे यंग दोस्तों, अब समय आ गया है तय करने का कि आप स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे और कैसे आप अपने मनपसंद काम तक पहुंचने का सफर तय करेंगे और उसके लिए जरूरी कौशल सीखेंगे। मैंने सुना था आप 16 के हो या 60 के, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, बस आपको नई संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए और हालत के अनुसार खुद को बदलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करके ही तो पता चलेगा ना कि उसमें मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। और इसी को तो कहते हैं इंटर्नशिप करना या कार्य अनुभव करना। तुम्हें जिस क्षेत्र में इंटर्नशिप करनी होगी, तुम उस कंपनी के मालिक से मिलोगी और बोलोगी कि मैं ये काम सीखना चाहती हूँ, Please give me an internship, correct? हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं, please give me an internship, नहीं, process थोड़ी formal है। Okay. सबसे पहले मैं अपने level पर research करूंगी ताकि मैं खुद को तैयार feel कर सकूं। फिर मैं उनसे मिलकर कुछ ऐसा बोलूंगी, नमस्ते, मैं आपसे 5 मिनट का समय चाहती हूँ, मेरा नाम काव्यल सिद्धानी है और मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ और मैं हमेशा से मधुमक्खी पालन सीखना चाहती थी, क्या मैं प्लीज स्कूल की छुट्टियों में आपके साथ इंटर्नशिप कर सकती हूँ और छुट्टियाँ खत्म होने के बाद शायद शनिवार को। वैसे क्या तुम सच में ये मधुमक्खी पालन सीखना चाहती हो? हाँ, मैं मधुमक्खी पालन के बारे में काफी उत्सुक हूँ और उत्साहित भी, खासकर इस समय जब पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा खतरा है, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, और हम सबको पता है कि मधुमक्खियां सब्जियों और फूलों के परागण यानी पॉलिनेशन में सहायक होती हैं, जो कि इंसानों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब 100 बातों की एक बात, आपको अपने लिए खुद इंटर्नशिप के अवसर पैदा करने होंगे। इस समय अर्थव्यवस्था खराब है तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज वैसे ही थोड़ी कम है, तो क्यों ना आप अपना रास्ता खुद बनाएं। अपना रास्ता खुद बनाएं, क्या खूब कहा।
हम जिस ग्राफिक नॉवल पर बात करने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं बात कर रहा हूं द लैंड ऑफ लव एंड हनी की, प्रेम नगर और शहद का गांव। इस मजेदार नॉवल में हमारी नायिका बाल विवाह के चंगुल से बच निकलती है और मधुमक्खी पालन सीखने के लिए अपने पड़ोसी परिवार के साथ यात्रा पर जाती है। आप देखेंगे कैसे हमारी नायिका ने अपनी इंटर्नशिप का मौका खुद पैदा करके एक्सपीरियंस प्राप्त किया। बदलाव एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है अपनों से और अपने सपनों से। मेरा भी एक सपना था और फिर दिल्ली से लड़के वाले आए हैं, ज्योति को बुलाओ। ज्योति चली गई। मेरी बेटी को वापस ला दीजिए, कुछ तो गड़बड़ है। मैं बी कीपिंग सीखना चाहती हूँ। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया बर्बाद हो रही है, किसी को तो पहल करनी होगी। ये इतना आसान नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें सीखना होगा उन लोगों से जो इस काम को जानते हैं। अरे ये हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। आपकी चिट्ठी आई है। नमस्कार पवन, मेरा नाम आमिर है। मैं ज्योति के साथ स्कूल में पढ़ने वाली जरीन और अमीना का पिता हूँ। आपकी तरह मेरी भी बेटी है, इसीलिए आपको ये बताना जरूरी है कि ज्योति हमारे साथ झारखंड में सुरक्षित है। तुम देखना, ज्योति हमारा नाम रोशन करेगी। ज्योति पिताजी, इस गांव को बर्बाद होने से रोकने के लिए मेरे पास एक सल्यूशन है। मुझे तुम पर गर्व है ज्योति। मेरी बेटी वापस आ गई है। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, उन्हें सुलझाने की हिम्मत होनी चाहिए। आखिर यही तो करता है एक व्यवसायी। हाँ, मैं एक एंटरप्रेनर हूँ जो प्रेम नगर और शहद के गांव नाम की जगह पर रहती हूँ। तो आइए हमारे साथ और इस रेवोल्यूशन में जुड़ जाइए। क्या ठोस बात कही, बदलाव एक दिन में नहीं आता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। देखा केतन, ज्योति में कितने सारे कौशल थे, जैसे सीखने की ललक, संवाद कौशल, डिसिप्लिन अथवा अनुशासन, और उसने पक्की रिसर्च यानी शोध भी की और बहुत कुछ किया उसने। मेरे हिसाब से अगर आपको मधुमक्खी पालन में इंटर्नशिप ना भी करें, तब भी आपको एक ग्राफिक नॉवल एडवेंचर स्टोरी पढ़नी तो चाहिए, जो गेट अ प्लान प्रोजेक्ट के तहत इतनी सारी साहसिक कहानियों में से एक है। मुझे ये बात बहुत पसंद है कि इन एडवेंचर कहानियों को पढ़ने का कोई एक सही क्रम नहीं, कोई निर्धारित चलने का तरीका नहीं, बिल्कुल उद्यमी रवैया है ये। और जब आप एडवेंचर चुनेंगे तब आप 5 दिवसीय कौशल प्रोजेक्ट को भी पूरा करें। सुरक्षा के लिहाज से आप 4 लोगों की टीम बना सकते हैं और फिर उसे पूरा कर सकते हैं। अपने माता पिता और शिक्षक से अनुमति लेकर ही आगे बढ़े। जब आपका एक्शन प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, या तो आप अपने शिक्षक को इसे स्कूल में सौंप सकते हैं, या ऑनलाइन यंग एंटरप्रेन्योर स्किल स्कूल ऐप यानी YESS ऐप के द्वारा उन लोगों के पास भेज सकते हैं जो इस शो को चला रहे हैं। अपना प्रोजेक्ट आप WhatsApp या ईमेल के माध्यम से हमें भी भेज सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो फोन लाइन के उस तरफ ऐसे लोग होंगे जो आपको आपकी चुनी हुई कहानी पढ़ने में आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे। यह आपको उस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करवाने में भी सहायता करते हैं जिसके लिए आपने नए कौशल सीखे थे। कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जैसे कि इन बहादुर बच्चों ने हमें अपने क्वेश्चंस ऑलरेडी भेजे हैं। हेलो DIY, मेरा नाम आकांक्षा कुमारी है। मैं गर्ल्स हाई स्कूल में 12 क्लास में पढ़ती हूँ। मैं किशनगंज से हूँ। मैं हमारे समाज में बहुत सारे प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, मैं इसे कम करने के लिए एक अभियान चलाना चाहती हूँ। मैं इसकी शुरुआत कैसे करूँ? हेलो DIY यूथ स्किल्स हो, मेरा नाम अर्जुन विश्वास है। मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ और मैं
किशनगंज से हूँ। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि क्या लड़कियों के लिए मधुमक्खी पालन करना तथा उनके शहद को बाजार तक ले जाकर बेचना और दूसरे व्यापारियों से प्रतियोगिता करना क्या इन लड़कियों के लिए संभव है? आकांक्षा जी, आपकी सोच बहुत बड़ी है। आप अपने आसपास देखिए, प्लास्टिक के अलावा लोग और क्या इस्तेमाल करते हैं? कपड़े की थैली, ग्लास की बॉटल, इनका बाजार में क्या दाम है? थोड़ा शोध करिए, इंस्पिरेशन के लिए आप किसी से मिलें। अर्जुन जी, बिल्कुल लड़कियां मधुमक्खी पालन कर सकती हैं। जब आप प्रेम नगर और शहर का गांव नामक उपन्यास पढ़ोगे तो आप बखूबी जान जाओगे कि महाराष्ट्र की अंडर द मैंगो ट्री की महिला मधुमक्खी पालक की कहानी। तो चलो, हमने आपके सवालों का जवाब दिया, अब समय है हमारे सवालों के सिलसिले का। सुनिश्चित करें आपके पास पेन और पेपर रेडी है। सवाल सुनने के फौरन बाद नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करें और सवालों का जवाब दें। और अगर आप पहले 100 सही जवाब देने वालों में रहे तो आप जीत सकते हैं शानदार ग्राफिक नोट। तो चलो गुरु, हो जाओ शुरू। पहला सवाल, इस शो में हमने इंटर्नशिप्स पे चर्चा कर ली, आप हमें बताएं इंटर्नशिप्स का क्या मतलब होता है? एक बार फिर से पूछ रहा हूं, आप हमें बताएं कि इंटर्नशिप्स का क्या मतलब होता है? दूसरा, ग्राफिक नॉवल कहानी में ज्योति एक नया कौशल सीखने का जोखिम लेती है, जोखिम का क्या अर्थ होता है? तीसरा सवाल, क्या आप कुछ नया करने के लिए जोखिम लेंगे? फिर से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप कुछ नया करने के लिए जोखिम लेंगे? चौथा, क्या जोखिम लेना उचित है? और देवियों और सज्जनों, पांचवा सवाल, क्या महिलाओं को नई समस्याओं को सुलझाने वाले उद्यम शुरू करने का जोखिम लेना चाहिए? आप अपने जवाब हमें इस नंबर पर जरूर भेजें या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके वहां पर भी आप जवाब दे सकते हैं। पहले 100 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवल प्रेम नगर और शहद का गांव। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। एंड ऑफ सवाल जवाब। अच्छा, लेकिन एक सवाल है, अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमें डिजिटल या प्रिंटेड ग्राफिक नॉवल मिलेगी कैसे? अरे नंबर घुमाओ, सवाल के जवाब दो और जीतो ग्राफिक नॉवल। आप हमारा ऐप स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके वहां से भी जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ सवाल हमें पूछने हो तो आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल या फोन कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए तो सही कि एडवेंचर प्रोजेक्ट में होता क्या है। जब आपके हाथ में ग्राफिक उपन्यास होगा तब आप देखेंगे कि ये लगभग 4 दिन का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको अपनी कक्षा से 4 या 5 की टीम बनानी होती है। आप पहले दिन मधुमक्खी पालक का इंटरव्यू लेंगे, उनसे जरूरी कौशल जानेंगे, बाजार जाके शोध करना होगा, पता करें कितने प्रकार के शहद बिक रहे हैं, किसकी कितनी कीमत है, पैकेजिंग कांच में की गई है या प्लास्टिक में, शहद में अतिरिक्त सामग्री तो नहीं मिलाई गई। इससे आपका संवाद कौशल सुधरेगा, आप अन्य लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकेंगे, आप सीखेंगे बेबाक होकर सवाल पूछना ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिले। लेकिन बेबाकी से सवाल पूछने का कौशल आपको तभी ही हेल्प करेगा जब आप में ध्यान से सुनने का कौशल होगा। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी कौशल है, लेकिन एक के बाद एक सवाल दागना ना शुरू कर दे, ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हो। आराम से बात करो, जिनसे बात कर रहे हैं उनको जवाब देने का पूरा समय दो, ऐसे ही तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। सीखा तो मैंने बहुत कुछ है तुम्हारे बिहार के रिपोर्टर से, चलिए उनसे आपको मिलवाते हैं। आज वे हमें दिखाएंगे कि कैसे मधुमक्खी पालक और दुकानदारों से अच्छे से इंटरव्यू लिया जा सकता है। मधुमक्खी का क्या होता है, ये आज के डेट में हमारे यहाँ बिहार सरकार का एक रोड मैप निकला है कि सारे किसान को मधुमक्खी के बक्स को उपलब्ध कराया जाए, जिसमें क्या होता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 75% का है सब्सिडी, और क्या कहते हैं शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए है 90% का सब्सिडी। ऐसे इसमें किसान को 10,000 रुपया देने पड़ते हैं जिसमें उसको 50 बक्स मिलते हैं, 50 बक्स मिलेंगे, उसके बाद आप इस पालन को शुरू कर सकते हैं। ये क्या खाती है? ये फर्स्ट दिन जब जिस दिन आएगी उस दिन इसको क्या करता है, ये वो लोग
दूर से आती है तो ये थकी मारी आती है, तो इसको उस दिन क्या करते हैं हम लोग चीनी का घोल बनाते हैं, 1 किलो चीनी 1 किलो पानी का, जैसे 100 ग्राम करके पर बक्सा में हम लोग को देना पड़ता है, जितना बक्सा है उसी के अनुसार से काउंट करके उसको उस दिन हम लोग दे देते हैं। बक्सों की साइज क्या होती है? इन बक्सों की साइज 1.5 हो गई आपका। आपने शहद की खरीद बिक्री का ही उद्यम क्यों चुना? क्योंकि ये हर आदमी के लिए फायदेमंद है और अपना बिजनेस में भी एक्स्ट्रा फायदा देता है। शहद बेचने के लिए आप शहद की खरीदारी कहाँ से करते हैं? ओपन मार्केट से भी करते हैं, कुछ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से भी करते हैं। अन्य व्यवसाय की अपेक्षा आपको शहद के व्यवसाय में कितना प्रतिशत का फायदा होता है? अदर व्यवसाय से इसमें 5-7% ज्यादा बेनिफिट है। प्रति माह आपकी कमाई कितनी हो पाती है शहद से? लगभग 5-10 हजार रुपया। कितना टैलेंट है यार हमारे रिपोर्टर, एकदम मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया। बिल्कुल, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये काम इतना आसान नहीं जितना दिखता है। यार मेरे एक जरूरी सवाल का ना मुझे अभी भी जवाब नहीं मिला। कौन से? क्या कहानी में किसी को मधुमक्खी ने काटा ऐसे? ये जानने के लिए तुम्हें ग्राफिक नॉवल पूरी पढ़नी होगी और प्रोजेक्ट भी पूरा करना होगा। अब मैं हमारे युवाओं को एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। पता है आपको कि एक ऐसी संस्था है जो ऐसे स्टार्टअप्स यानी नए उद्यमों के लिए पैसे देती है? जी हाँ, ये 18-23 साल के युवाओं के लिए है जिनके पास ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और नौकरियों के अवसर पैदा कर सकते हैं। इसे बेहतर रूप से समझने के लिए आइए आपको कुछ उद्यमियों से मिलवाते हैं जिनके उद्यम के सफर से आप प्रेरणा ले सकते हैं। ये सब एक जमाने में बिल्कुल आप जैसे ही थे। इन्होंने मेहनत के बल पर अपने उद्यम शुरू किए और बहुत सारी समस्याएं सुलझाई भी हैं। मुझे लगे थे 6 महीने, 6 महीने के आसपास लगा था, क्योंकि ये 6 महीना मुझे पिछले 3 साल का भी मेहनत था। उसके बाद 6 महीना लगा अपना बिजनेस सेटल करने में। उसके बाद मैंने दूसरा ड्रोन लिया और इस टाइप से कर करके अभी मेरे पास 7-8 ड्रोन है। तो अगर आपका लिंक नहीं है मार्केट में और काम करना चाह रहे हैं तो क्लाइंट खुश होंगे तो वो अगले को रेफर करेंगे, यार ये बंदा है सही काम करता है। अगर उनके 4 शॉट होते हैं तो 2 शॉट अपने माइंड से भी देता हूँ। तो कई बार ऐसा होता था कि उनके शॉट न लग के मेरे जो मैंने बनाया वो लगता था, तो मुझे खुशी होती थी यार इसमें और मेहनत करो। मेरा नाम सुगंधा है और मैं किटलरी की फाउंडर हूँ। किटलरी एक छोटा सा सोशल एंटरप्राइज है जो मैंने करीब 6 महीने पहले शुरू करा था। आई वॉज वर्किंग एज अ स्टूअर्डेस विद कतर एयरवेज फॉर 1.5 ईयर। तो उसकी जो सेविंग्स थी मैंने उस पैसे से इस बिजनेस को स्टार्ट करा, होपिंग कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। किटलरी स्टील की कटलरी और स्ट्रॉ छोटे पाउचेस में उपलब्ध कराती है जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और मॉल्स में जाएंगे, फूड कोर्ट्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में काफ़ी स्ट्रीट फूड का कल्चर है तो ठेले पे जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल पीते हैं, उस तरह उस टाइम पे आप अपनी स्टील स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा आपने दुनिया में कितने सारे अवसर उपलब्ध हैं। तो अगर ये सच में आपका आइडिया है और आपने इस पर अच्छे से शोध किया हुआ है तो हम अधिक जानकारी के लिए आपसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल, हो सकता है कि आइडिया पिच करने के लिए यानी हमें सुनाने के लिए हम आपको इनवाइट भी करें। तो बिल्कुल भी ना शर्माएं, हमें आज ही अपना आइडिया भेजे, हमें इंतजार रहेगा। इंतजार किसी का भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे आइडियाज ये लोग हमें आज ही भेजेंगे। हम इंतजार करेंगे कि ये हमारा अगला एपिसोड देखें ताकि हम युवा कौशल एडवेंचर के अगले पड़ाव पर बात कर सकें। और इसमें सबका स्वागत है, हम चाहेंगे कि आप सब लोग देखें, सब परिवार देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, इसमें सबको मजा आए। हाँ, क्योंकि ये है युवा उद्यमी कौशल शो। यहाँ आपको सब खुद ही से करना है, लेकिन जब मिले सबका साथ तो फिर क्या है बात। ओ, हम पूरी तरह से भूल गए क्या? अरे ओ हाँ, आप हमारे सवालों के जवाब हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमें इस नंबर पर वीडियो पे व्हाट्सएप करें।
आपका नाम नंबर पता देना ना भूले। जी हाँ, क्या पता आपको इस आइडिया के लिए फंडिंग मिले। सी यू सून, बाय बाय। काजल, घूमने फिरने का मन करता है? बहुत यार, ऐसे पहाड़ों पे। बिल्कुल ऐसे पहाड़ की चोटी पे हाथ फैला के टाइटैनिक, वाह वाह, बर्फ बर्फ बारी बर्फ देखने का। चलो लेट्स गो। देखना ना बर्फ। हाँ, चलो बिल्कुल। किचन में चलते हैं, फ्रिज में दिखाता हूँ, जम गई है बर्फ। क्या है पूरा एंटी क्लाइमैक्स, फ्रिज में क्यों? क्योंकि अब बर्फ जल्दी से कहीं दिखती नहीं है ना, स्नोफॉल ढंग से होता ही नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के वजह से कितनी सारी चीजें अब हमारे पकड़ में नहीं आ रही है। ग्लेशियर पता है? ग्लेशियर नहीं, ग्लेशियर मतलब वो टूट रहे हैं। अब सीन ही हो रहा है, इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका बहुत बुरा असर हमारी धरती पर पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण और इन सारी चीजों से। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है ना? इस बारे में और जानेंगे हमारे युवा उद्यम कौशल शो में केतन सिंह और काव्यल सिदानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे, तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करने वाले हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की। अब इस अष्टक सिद्धांत के बारे में हमने पहले ही काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इसे दिया था जॉन न्यूलैंड्स ने, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट हैं, और उन्होंने ये बताया था कि जिस तरीके से एक म्यूजिक में हम बात करें तो हर आठवां जो लेटर होता है वो रिपीट होता है, तो हर आठवां सुर जिस तरीके से रिपीट होता है, उनकी क्लासिफिकेशन में क्या था, हर आठवें जो तत्व था उसके गुण पहले वाले तत्व से मिलते थे, इसी वजह से उन्होंने इसका नाम डाल दिया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो चलिए जानते हैं कि इन्होंने ये अष्टक सिद्धांत जो बनाया था वो कैसा दिखता है। दरअसल अगर हम न्यूलैंड्स की बात करें तो न्यूलैंड ने सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। तो यहाँ पर ये जो काम किया उन्होंने, ये तो डॉबेरायन की तरह ही किया, क्योंकि डॉबेरायन ने भी जो अपने त्रिक बनाए थे उसमें क्या था, वो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम थे। परंतु यहाँ पर न्यूलैंड ने तीन तीन के अलग अलग ग्रुप नहीं बनाए, उन्होंने सारे के सारे एटम को एक ही ग्रुप में डाला, परंतु उन्होंने यहाँ पर डॉबेरायन की जो द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने की जो उन्होंने ट्रेंड चलाया था उसको फॉलो किया। तो जब उन्होंने ऐसा किया कि सारे के सारे एटम को एक ही टेबल में डाला आरोही क्रम में व्यवस्थित करके, तो उन्होंने पाया कि जो हर आठवां तत्व है उसका गुणधन पहले तत्व से मिलता है। तो क्योंकि ये म्यूजिक से थोड़ा रिलेटेड था और उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट था, उन्होंने इसका नाम अष्टक सिद्धांत डाल दिया। चलिए एक बार उनके टेबल को देख लेते हैं। दरअसल ये है न्यूलैंड की पूरी टेबल, और यहाँ पर जितने भी तत्व हैं उनको द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा गया है। जब वो ये टेबल बना रहे थे तो लगभग 56 एलिमेंट ढूंढे जा चुके थे, मतलब कि 56 एलिमेंट के बारे में हमें पता था। जैसे कि आप जानते हैं अभी हम 118 एलिमेंट के बारे में जानते हैं, परंतु उस समय तक सिर्फ 56 को ही जानते थे हम, और उसके बाद बहुत ही तेज़ी से हमने और एलिमेंट को नए नए खोजना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई थी। परंतु यहाँ पर जो न्यूलैंड का ये पूरा टेबल है, आपकी बुक में ये पूरा टेबल नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में जो न्यूलैंड का टेबल दिया हुआ है वो सिर्फ इतना है। तो आपको बस इस टेबल पे फोकस करना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तो आपकी बुक से आएंगे, और बुक में जो टेबल है वो बस इतनी सी है। तो आपको इस टेबल पे फोकस करना है, और टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें याद नहीं करनी, यहाँ पर आपको बस इस टेबल को समझना है। यहाँ पर जो मेन टेबल थी उनकी वो ये वाला पार्ट है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और लास्ट में दो एलिमेंट ब्लैंक है। और यहाँ पर जो ऊपर लिखा गया है ये है इंडियन लेटर्स, जो हम म्यूजिक के लिए जो नोट्स होते हैं, हमारे सात सुर जो हम कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और जो आठवां सुर होता है वो रिपीट होता है। परंतु वेस्टर्न म्यूजिक इंडियन म्यूजिक से थोड़ा डिफरेंट है, तो उनमें होता है डो रे मी ब्ला ब्ला ब्ला, बट वहाँ पे और इंडियन म्यूजिक दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है कि पहला और आठवां सुर जो है वो दोनों में ही सेम होता है। अब वो अपना म्यूजिक अलग बनाते हैं, हम अपना म्यूजिक अलग बनाते हैं, परंतु म्यूजिक तो म्यूजिक होता है, इस वजह से पहला और आठवां सुर सेम है। और इस
जो टेबल है उसमें भी क्या है, पहला और आठवां तत्व जो है उसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। अब इसके बाद सात एलिमेंट आते हैं जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आठवां तत्व आ जाता है हमारे पास, फ्लोरीन। तो पहला तत्व हाइड्रोजन और आठवां तत्व फ्लोरीन। तो न्यूलैंड ने क्या कहा, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो चलिए देखते हैं सेम है या नहीं। तो ये है हमारे पास हमारा हाइड्रोजन जिसके अंदर होता है एक इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारे पास हमारा फ्लोरीन जिसके अंदर होते हैं नौ इलेक्ट्रॉन। अब अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन को बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा नहीं करता, उसको अपने बाहर वाले जो कोश है उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है, परंतु फ्लोरीन को तो आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोनों को ही बस एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, और जैसे ही वो पूरा कर लेंगे दोनों उसके बाद अभिक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि उनका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखा जाए दोनों को बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई। उसके अलावा ये दोनों ही अधातु होते हैं तो ये दूसरी सिमिलैरिटी हो गई। उसके अलावा ये दोनों ही आयनिक एवं सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनके साथ हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक ही तरीके से अभिक्रिया करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन लगभग एक समान होते हैं, परंतु यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का जो रासायनिक गुण है वो सेम नहीं है। न्यूलैंड का कहना था कि स्लाइम में जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, निकल है और ब्रोमीन है, उनका कहना था इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। और ऐसा नहीं, उनका कहना था आगे के जो ग्रुप है जैसे कि दूसरा ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रूबीडियम, इन सब की प्रॉपर्टी भी सेम होगी। इसके बाद वाले ग्रुप में इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, इसके बाद वाले में इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी और सो ऑन। तो इसमें तो देखा जाए तो अल्टीमेटली वो कह रहे थे कि आप सिर्फ सात ग्रुप के बारे में याद रखो और आपको सब के बारे में पता चल जाएगा। तो ये तो बहुत प्रॉमिसिंग सा है, बहुत अच्छा है कि आपको बस सात चीज़ों की प्रॉपर्टी याद रखनी और आपको सब के बारे में पता चल जाएगा, यानी कि सात को याद रखो और 56 एलिमेंट के बारे में जान लो। तो ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो दिक्कत क्या आ गई, चलिए जानते हैं। दरअसल पहली बात तो आप ये देखेंगे कि इनकी टेबल में एक ही जगह पर दो दो चीज़ें रखी गई हैं, परंतु इसको उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सेम है और सी ई और एल ए की प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा सेम है। तो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सेम है इसलिए उन्होंने इसे एक ही टेबल में रख दिया, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इसे तो मान लिया गया कि चलिए ठीक है आप एक ही टेबल में रख दीजिए, कोई बात नहीं। परंतु और भी प्रॉब्लम्स थी जो आ गई जिस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। तो ये प्रॉब्लम्स क्या थी इसको हम जानेंगे अगली वीडियो में। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। इस वीडियो में हमने बात करी है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बारे में, जहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से उन्होंने 56 एलिमेंट को अरेंज किया और उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ सात चीज़ों के बारे में याद रखो, आपको 56 के 56 एलिमेंट के बारे में प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। परंतु क्या हुआ, क्या इशू था, किस वजह से इसे रिजेक्ट किया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम जानेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की लिमिटेशंस को, और फिर हम जानेंगे मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो कि एक बहुत अच्छी सारणी थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली टेस्ट 3, पहला प्रश्न, अष्टक सिद्धांत किस गुण पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रोटोन की संख्या, ऑप्शन बी परमाणु भार, ऑप्शन सी परमाणु संख्या एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, अष्टक सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन ए हर आठवें तत्व के पास समान गुणधर्म होंगे, ऑप्शन बी हर आठवां तत्व ठीक पहले जैसा होगा, ऑप्शन सी हर सातवें तत्व के पास समान गुणधर्म होंगे एंड ऑप्शन डी हर नौवें तत्व के पास समान गुणधर्म होंगे। तीसरा प्रश्न, न्यूलैंड के समय में कितने तत्वों की खोज हो गई थी? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 56 एंड ऑप्शन डी 118। चौथा प्रश्न, अष्टक सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए यह केवल भारी तत्वों तक ही लागू होता था, ऑप्शन बी यह केवल कैल्शियम तक ही लागू था, ऑप्शन सी दोनों सही है एंड ऑप्शन डी दोनों गलत है। पांचवा प्रश्न, हाइड्रोजन किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी उपधातु एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी एंड पांचवें का ए। नमस्कार दोस्तों, आज हम
निर्माण उद्योग नामक अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने उद्योगों का वर्गीकरण करते हुए उद्योगों के कुछ प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ खनिज आधारित उद्योगों की चर्चा करते हैं, जिनके अंतर्गत लौह और इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग तथा सीमेंट उद्योग की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर हैं, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इनमें सबसे पहले बात करेंगे लौह और इस्पात उद्योग की। लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी एवं हल्के तथा मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। भारतवासियों को लोहा बनाने की कला ईसा से हजारों वर्ष पहले से आती थी। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ देश में निर्मित लोहे की गुणवत्ता का सटीक प्रमाण है। दोस्तों, देश में लोहे का पहला कारखाना 1830 में पोर्टोनोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, परंतु स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों की कमी के कारण इसे बंद करना पड़ा। इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। इस समय भारत में 10 बड़े और 200 छोटे इस्पात संयंत्र हैं। दोस्तों, लौह इस्पात के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर पठार में स्थापित हुए हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं। आज उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण तथा उद्यमों के प्रयत्न ने इन उद्योगों को बढ़ावा दिया है। आइए अब बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग की। दोस्तों, यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। यह लचीला, हल्का, जंगरोधी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका अयस्क बॉक्साइड है। इसका प्रयोग हवाई जहाज बनाने, बर्तन इत्यादि उद्योगों में तथा तार इत्यादि बनाने में किया जाता है। आज इसकी लोकप्रियता इसलिए और भी बढ़ रही है क्योंकि यह कई उद्योगों में इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। दोस्तों, एक टन एल्यूमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइड तथा 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। आज देश में 8 प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र हैं, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। आइए बात करते हैं तांबा प्रगलन उद्योग की। भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था। दोस्तों, सन 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत में एकमात्र तांबा उत्पादन संस्थान है। इसके 2 केंद्र हैं, एक पूर्वी सिंहभूम जिले में तथा दूसरा झारखंड के झुंझुनू जिले में खेतली नामक स्थान पर स्थित है। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान के खेतली नामक स्थान पर है। भारत 43,000 टन तांबा ब्लिस्टर उत्पादित करता है। इससे देश की केवल 50% आवश्यकता की पूर्ति होती है। शेष 50% तांबा जाम्बिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से आयात करना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं रासायनिक उद्योगों की। रासायनिक उद्योग देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह आकार में विश्व का 12वां तथा एशिया में 3रा स्थान रखता है। इस उद्योग का देश में तेजी से विकास हो रहा है। दोस्तों, हमें यह जानना चाहिए कि भारतीय अकार्बनिक रसायनों के अंतर्गत गंधक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड, क्षारित सामग्री, सोडा ऐश तथा कास्टिक सोडा आते हैं। इनका उपयोग कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक की वस्तुएं, रंग रोगन तथा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। औषधियों के उत्पादन में भारत
विकासशील देशों में अग्रणी है। निर्यात में इसका 14% योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 3% है। आइए अब बात करते हैं उर्वरक उद्योग की। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए उर्वरक का उपयोग करना अनिवार्य है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी है, जिसमें भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के मार्ग प्रशस्त हुए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। आवास निर्माण एवं देश के ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है। दोस्तों, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे चूना पत्थर, कोयला, एल्यूमिनियम तथा जिप्सम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। अर्थात जहाँ पर ये चीज़ें आसानी से मिल जाते हैं वहीं पर सीमेंट उद्योग स्थापित किए जाते हैं। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। आज देश में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 1683 लाख टन है। इस समय देश में प्रतिवर्ष 20 करोड़ से अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम है, अतः दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में इसकी बहुत अधिक मांग है। आइए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने लौह और इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग तथा सीमेंट उद्योग इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इस अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग, तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग, उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ
और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि, देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स, वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIEF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा, तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ तीन काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है। है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कॉम्पिटिशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1,00,000 नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को ₹10,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कॉम्पिटिशन क्या होता है? इस कॉम्पिटिशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का
राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाओ टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो BEPC के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।